Good morning to all. Myself Balram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about kinematics. आज हम start करने वाले हैं बच्चों kinematics. देखो यहाँ पे क्या है, kinematics का meaning क्या है पहले वो देखो. Kine का मतलब होता है motion. Kine का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, motion है. और matrix का meaning क्या है यहाँ पर, mathematics. ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसमें हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को अप्लाई करेंगे. अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसमें हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, मैथमेटिक्स. ये सब हम किस में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में. काइनेमेटिक्स सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो पहला चैप्टर होगा हमारा काइनेमेटिक्स का वो कौन सा होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. और सेकेंड चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम वो होगा मोशन इन अ प्लेन. ये 11th फिजिक्स में सेकेंड यूनिट है. यूनिट नंबर कौन सी है, सेकेंड है. इसमें दो चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन. ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर लेंगे कौन सा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है बच्चों, तो पहला जो हम ले रहे हैं चैप्टर उसका क्या नाम है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ना है बच्चों, कि अगर किसी भी बॉडी का मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, मीन्स सिंगल कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए. ठीक है, आप डाल दो चैप्टर नंबर, ये होगा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका, और ये चैप्टर होगा हमारा फिजिक्स में थर्ड. सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट कौन सा है, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो मोशन किसमें है, स्ट्रेट लाइन में है. तो सबसे पहले हम इसे जानना चाहेंगे मोशन को, एक्चुअल में मोशन क्या होता है. ठीक है, तो आप कहोगे कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो क्या कर रही है, मोशन कर रही है. लेकिन ये बात 100% ट्रू नहीं है. अगर मान लो कोई दो लड़के हो आपस में वी वेलोसिटी से दौड़ रहे हो, मान लो एक ये है एक ये है, ये दोनों v वेलोसिटी से, मतलब इनकी वेलोसिटी क्या है, सेम. तो अगर दोनों v वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं x डिस्टेंस बाद ये दोनों यहां पहुंच जाएंगे. ठीक है, अभी भी इनके पास वेलोसिटी कौन सी है, v है. मान लो फाइनल वेलोसिटी की इनकी मान लेते हैं हम v1 और v2, फिर दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है. तो ये अगर एक दूसरे को दिखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, रेस्ट में. देखो दोनों साथ में दौड़ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम है. तो अगर दोनों एक दूसरे को आपस में देख रहे होंगे तो कैसे नजर आएंगे वो, रेस्ट में. तो मोशन का वो कैसा नजर आया उसको, रेस्ट में. लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं उसे तो हमें कैसा लगेंगे, दोनों किस में है, मोशन में. तो मोशन ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि बॉडी के पास वेलोसिटी या एक्सीलरेशन हो तभी मोशन पॉसिबल है. लेकिन मोशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, व्हेन अ बॉडी When a object या body change its position with respect to some reference point. अगर हम reference point का use नहीं कर रहे हैं तो हम मोशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते. ठीक है, जैसे हम अर्थ के अंदर हैं, ठीक है, मान लो मैं रेस्ट पे बैठा हूं या किसी ट्रेन पे या बस में एक रेस्ट पे है कोई भी व्यक्ति, तो जो अर्थ के बाहर एस्ट्रोनॉट है उनसे तो कैसा लगेगा कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के अंदर जितने भी लोग हैं उसके अकॉर्डिंग वो भी क्या करेंगे, मोशन करेंगे. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये बस है, इसमें एक आदमी यहाँ है एक आदमी यहाँ है,
तो ये दोनों अगर एक दूसरे को दिखेंगे, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए बी को देख रहा होगा, बी ए को देख रहा होगा, तो दोनों कैसे नजर आएंगे, रेस्ट पे आएंगे। अगर मान लो तीसरा आदमी है इधर जो कहीं रोड पे खड़ा है, वो इन दोनों को देख रहा होगा, उसको नाम दे दो सी। तो सी ए और बी को देख रहा होगा, तो दोनों कैसे रहेंगे मोशन में। मान लो बस चल रही है बी वेलोसिटी से, तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए भी मोशन में है और बी भी कैसा है मोशन में, ठीक है। बट ए के अकॉर्डिंग बी कैसा है, रेस्ट में है, बी के अकॉर्डिंग ए कैसा है, रेस्ट में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे, या ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करेगा मोशन, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर मान लो मोशन कर रही है, जिसके पास एक्सीलरेशन है या वेलोसिटी है उसके पास, तब भी वो रेस्ट पे हो सकती है, और रेस्ट पे है तब भी मोशन में हो सकती है, और डिपेंड किस पे करेगी बच्चों, रेफरेंस पॉइंट पे, कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो कौन देख रहा है, देखने वाले पे डिपेंड करेगा उसका मोशन। बात समझ में आई है, तो ये मोशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन समझ में आया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, इनको भी रफ कर देते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, ये तो पहला टाइप है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन, और इसी के साथ पढ़ना है हमें, इसी के साथ ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और सेकंड टाइप है हमारा सर्कुलर मोशन, और इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन। थर्ड है हमारा ऑसिलेशन, और इसी के साथ पढ़ेंगे हम वाइब्रेशन। इतनी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, ठीक है। तो 11th फिजिक्स में सारे अलग अलग चैप्टर है, हम पहला चैप्टर कौन सा लिया अभी हमने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन भी हमारा एक चैप्टर होगा, सर्कुलर मोशन अलग होगा, रोटेशनल मोशन अलग होगा, और ये ऑसिलेशन और वाइब्रेशन हम एक ही में पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी अलग से एक चैप्टर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की, ठीक है, इनको नोट कर लेना आप। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है बच्चों, को देखो, वेन अ सिंगल पार्टिकल, क्या कहा मैंने, वेन अ सिंगल पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी सिंगल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है, वो कौन सा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां से कोई भी सिंगल पार्टिकल ऐसे कहां पहुंच गया है, बी पर। तो सिंगल पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, वो तो कौन सा होगा बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और सेकंड देखो, इसी का पार्ट, सॉरी इसी का पार्ट क्या बताया था मैंने, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, इसमें तो क्या बोला है, वेन अ सिंगल पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या हो जाएगा, वेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्या कहा मैंने, वेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल,
when a system of particle move in a straight line. अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो कौन सा होता है? ट्रांसलेशनल मोशन. बात समझ में आई? जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने फेंका, ऐसे मोशन कर रहा है, तो जो मार्कर है वो क्या है? सिंगल पार्टिकल थोड़ी है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल बस मोशन कर रही हो, कार कर रही हो, ट्रेन कर रही हो, एरोप्लेन, कुछ भी, तो क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब मोशन करता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोशन. और सिंगल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्क. ठीक है, देखो सेकंड क्या है हमारे पास? सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन कैसा होता है? व्हेन अ सिंगल पार्टिकल मूव इन अ सर्किल. अगर कोई भी सिंगल पार्टिकल सर्किल में मोशन कर रहा है, सिंगल पार्टिकल है इस सर्किल में रोटेट कर रहा होगा वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा? सर्कुलर मोशन. व्हेन अ सिंगल पार्टिकल मूव इन अ सर्किल, एक सिंगल पार्टिकल कर रहा हो. अब इसी का पार्ट कहता है हमारे पास रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चों? व्हेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव अराउंड इटसेल्फ, वो अपने एक्सिस में घूम रहा हो. देखो मान लो मैं इधर रोटेट कर रहा हूं, इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. आ रही बात समझ में? तो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा हूं तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है. अगर मान लो इस मार्कर को मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे घूम रहा है मार्कर, ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, या ऐसे भी घूम सकता है, तो ये भी क्या होता है? ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो ये क्या होता है बच्चों? रोटेशन. ठीक है, तो व्हेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव इन अ सर्किल, तो ये भी एक सर्किल बनाएगा. अगर ये मार्कर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये भी क्या बनाएगा? एक सर्किल बनाएगा. लेकिन ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है. When a system of particle move in a circle, तो सर्किल बना रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया हमारा, ट्रांसलेशन हुआ, सर्कुलर हो गया, रोटेशनल हो गया. अब फिर कौन सा बचा है हमारे पास? ऑसिलेशन. ठीक है, तो थर्ड होगा हमारे पास ऑसिलेशन. और ऑसिलेशन एक पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, 11th में. टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज, या इज कॉल्ड ऑसिलेशन. देखो उसको समझो, ऑसिलेशन क्या होता है. जैसे आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, उसमें पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, तो ये पेंडुलम क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगाता हूँ एफ, ठीक है, तो उसकी वजह से ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऐसे करता रहेगा. तो ये जो मोशन हो रहा है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन. और टू एंड फ्रो मोशन ही क्या होता है बच्चों? ऑसिलेशन. ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ऑसिलेशन का. अगर मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और किसी स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, यहां से ये क्या है? हिंज है. हिंज मतलब क्या है? ये फिक्स है. अगर यहां से ये हिंज है, इस पे मैंने फोर्स लगाया एफ, स्प्रिंग से अटैच है, इस पे ब्लॉक पे फोर्स लगाया एफ, तो ये इधर जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, जैसे ही हम फोर्स को रिलीज करेंगे वापिस किधर आएगा? इधर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स. तो रिलीज करने के बाद इधर कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? स्प्रिंग फोर्स. तो इस ब्लॉक को खींचेंगे, फिर फोर्स को रिलीज करेंगे, तो ये ब्लॉक ऐसे ऐसे करेगा, ये भी क्या होगा? ऑसिलेशन. बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑसिलेशन.
और इस पेंडुलम को हम यहां से ड्रॉप करेंगे तो ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेट कहते हैं। बात समझ में आई? तो टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, मोशन कैसे हो रहा है बॉडी का इस तरह, ठीक है। और इसी का पार्ट कौन सा बताया था मैंने, वाइब्रेशन। देखो जो वाइब्रेशन किसी का पार्ट है, वाइब्रेशन में क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेशन विथ मैक्सिमम स्पीड, किसी भी ऑसिलेशन विथ मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन भी बच्चों ऐसा ही होता है। जैसे मान लो मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, कैसे रहेगा ये, क्या है वाइब्रेशन, लेकिन ये हो तो ऐसे ही रहा है ऑसिलेट। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, ऑसिलेट हो रहा है। टू एंड फ्रो मोशन, टू से फ्रॉम तक, फ्रॉम से टू तक, इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। तो यही मोशन कैसा है, ऑसिलेशन है, तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, वाइब्रेशन। तो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन। बात समझ में, ऑसिलेशन विद मैक्सिमम स्पीड, इसी को क्या कहते हैं हम, वाइब्रेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। If you like the video, then share and subscribe. Thank you.